नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस एक शख्स की बदौलत भारत को 1915 में ही मिल गई होती आजादी, जाने कैसे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस आजादी पर गुमान करते हैं उसके लिए हमारे देश के कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, और उन्हीं क्रांतिकारियों में से आज हम आपके सामने एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी की वीर गाथा लेकर आए हैं जो आजादी का इतिहास लिखे जाने के वक्त नाइंसाफी का शिकार हुए थे, और उसका बलिदान उन सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया जिसके में असल हकदार थे। जी हाँ, अगर इस क्रांतिकारी का प्लान कामयाब हो गया होता तो हमें 1915 में ही आजादी मिल गई होती। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ मुखर्जी की, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। वे उस दौर के हीरो हुआ करते थे जब लोग अंग्रेजों के डर से अपने घरों में सहमे हुए रहते थे। उस वक्त ये बंदा जहाँ भी अंग्रेजों को देखता उन्हें पीट देता था। कहा जाता है कि एक बार तो उन्होंने अकेले ही 8 अंग्रेजों को पीट दिया था। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। उनका बलिष्ठ शरीर उन्हें और ताकतवर बनाता था। जब वे कॉलेज में पहुंचे तो वे स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए। स्वामी जी ने उन्हें अम्बू गुहा के देसी जिम में भेजा ताकि वे कुश्ती के दांव पेंच सीख सकें। देश की अपनी खुद की नेशनल आर्मी का सबसे पहला विचार भी बाघा जतीन का था। दोस्तों, एक बार गांव में तेंदुए ने आतंक मचा दिया, तब यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपनी बहादुरी से उसे मार डाला। तब से लोग उन्हें बाघा जतीन के नाम से पुकारने लगे थे। साल 1900 में क्रांतिकारियों के सबसे बड़े गठन अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बीच उन्होंने कई जगहों का दौरा भी किया और अंग्रेजों को पीटने के उनके चर्चे अहम रहते थे। हर दूसरे तीसरे दिन में किसी न किसी अंग्रेज को पीट दिया करते थे। जब एक बार जतीन से पूछा गया कि तुम कितने लोगों को एक साथ पीट सकते हो, तब उन्होंने कहा, ईमानदार हो तो एक भी नहीं और बेईमानों की कोई गिनती नहीं। इसी दौरान बाघा जतीन ने कई नामों से अलग अलग संस्थाएं शुरू की जो कि कई तरह के सोशल काम भी कर रही थी। इसी दौरान वे कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भी रहे। इसी बीच 1915 में जर्मनी के राजा भारत भ्रमण पर आए। लोगों से और अंग्रेजों से छिपकर यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने जर्मनी के राजा से मुलाकात की। उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए हथियार देने की बात की और तय हुआ कि जर्मनी से हथियार लेकर अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करके भारत को आजाद करवाना है। लेकिन ये बात जासूस इमैनुअल विक्टर वोस्का को पता चल गई और उसने ये खबर अमेरिका को दे दी। बाद में अमेरिका ने ये बात अंग्रेजी हुकूमत को बता दी, जिस वजह से उड़ीसा का पूरा समुद्र तट सील कर दिया गया ताकि वहां से हथियार न लाए जा सके। इसी बीच अंग्रेज यतीन्द्रनाथ मुखर्जी को ढूंढने लगे और 9 सितंबर 1915 को एक अधिकारी ने गांव वालों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस अधिकारी को मार गिराया। लेकिन तभी खबर पाकर और भी अंग्रेजी अफसर आ गए और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसमें बाघा के साथी चितप्रिय शहीद हो गए। काफी देर तक वे अंग्रेजी गोलियों का सामना करते रहे, लेकिन अंत में उनका शरीर गोलियों से पूरी तरह छलनी हो गया और वे जमीन पर गिर पड़े, और इस तरह एक महान क्रांतिकारी शहीद हो गया। लेकिन यतीन्द्रनाथ मुखर्जी की शहादत को इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी। आज भी लोग उनको कम ही जानते हैं। आज हमने इस महान क्रांतिकारी को भुला दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।